हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज थर्ड चैप्टर द गंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित वसीयतनामा द गंगा। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन के बारे में लिखे हैं, जो उनके साथ द गंगा से जो भी उनका संबंध था उसका वर्णन किए हैं, और वह अपनी अंतिम इच्छा को भी व्यक्त करते हैं कि उनका दाह संस्कार किस प्रकार किया जाए, इसके बारे में भी इस चैप्टर में वर्णन किए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। आई मीन्स मैं हैव रिसीव्ड प्राप्त किया हूँ, सो मच अत्यधिक, लव मीन्स प्रेम, एंड मीन्स और, अफेक्शन मीन्स स्नेह, फ्रॉम मीन्स से, द इंडियन भारतीय, पीपल मीन्स लोगों। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन, मैं अत्यधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया हूँ, फ्रॉम इंडियन पीपल, भारतीय लोगों से। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल, मैं भारत के लोगों से अत्यधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया हूँ। दैट नथिंग दैट आई टू डू, दैट मीन्स की, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, दैट मीन्स जो, आई मीन्स मैं, टू डू मीन्स करना, दैट नथिंग वह कुछ नहीं है, दैट आई टू डू जो मैं करूँ, अर्थात मैं जो कुछ भी करूँ वह कुछ नहीं के बराबर है। कैन रिपे इवेन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कैन रिपे चुका सकता, इवेन मीन्स भी, अ मीन्स एक, स्मॉल मीन्स छोटा, फ्रैक्शन मीन्स भाग या अंश, ऑफ मीन्स का, इट मीन्स इसका। कैन रिपे इवेन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, मैं इसका एक छोटा सा भाग भी चुका सकता। दैट नथिंग दैट आई टू डू, कैन रिपे इवेन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि मैं जो कुछ भी करूं इसका एक छोटा भाग भी नहीं चुका सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन, एंड मीन्स और, इंडीड मीन्स वास्तव में, देयर का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, कैन बी हो सकता है, नो मीन्स नहीं, रिपेमेंट मीन्स होता है वापसी, आप मीन्स का, सो मीन्स इतना, प्रीसियस मीन्स अमूल्य, और थिंक मीन्स एक वस्तु, एज मीन्स जैसे, अफेक्शन मीन्स स्नेह। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन, और वास्तव में प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को चुकाया ही नहीं जा सकता। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल, मुझे भारत के लोगों से अत्यधिक प्रेम स्नेह मिला है। दैट नथिंग दैट टू डू कैन रिपे इवेन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन, कि मैं जो कुछ भी करूं उसका एक छोटा सा भी भाग नहीं चुका सकता, और वास्तव में प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को चुकाया ही नहीं जा सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, मैनी मीन्स बहुत से लोग, यानी अनेक लोग, एडमायर्ड मीन्स होता है प्रशंसा किया गया। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, अनेक लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिव्यूअर्ड, सम मीन्स कुछ, रिव्यूअर्ड मीन्स आदर किया गया, अर्थात सम्मान किया गया। सम हैव बीन रिव्यूअर्ड, कुछ लोगों का सम्मान भी किया गया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच अबंडेंट मेजर, बट मीन्स लेकिन, द अफेक्शन स्नेह, ऑफ मीन्स का, ऑल मीन्स सभी, क्लासेज मीन्स वर्ग या जात या श्रेणियां, यहाँ पर जाति होगा, ऑफ मीन्स के,
इंडियन, भारतीय, पीपल, लोग, हैज कम, मिला है, टू मी, मुझे, इन सच अबंडेंट मेजर, इतना प्रचुर मात्रा में, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच अबंडेंट मेजर, भारत के सभी जाति वर्ग के लोगों का स्नेह मुझे प्रचुर मात्रा में मिला है, दैट आई हैव बीन ओवरवेलम्ड बाय इट, दैट मीन्स कि आई मीन्स मैं हैव बीन हो गया हूँ, ओवरवेल्म मीन्स होता है व्यग्र अर्थात अभिभूत हो गए, बाय मीन्स से, इट मीन्स इससे, इट अर्थात प्रेम, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि इस प्रेम ने मुझे अभिभूत कर दिया, आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट, आई मीन्स मैं कैन एक्सप्रेस व्यक्त कर सकता हूँ, ओनली मीन्स केवल, द होप मीन्स आशा, दैट मीन्स कि आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूँ, दैट कि इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, रिमेनिंग मीन्स बचे हुए, ईयर्स मीन्स वर्ष, आई मीन्स मैं, लिव मीन्स जीवित रहना, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, कि मैं अपने बचे हुए वर्ष जो मैं जी सकूं, अर्थात कि मैं अपने जीवन के शेष समय में, आई शैल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, अनवर्थी मीन्स अयोग्य, आई शैल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने लोगों तथा उनके प्रेम के अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलिंग्स आई ओ एन इवन डीपर डेप्ट ग्रेटिट्यूड, इन्यूमरेबल मीन्स असंख्य, कॉमरेड्स मीन्स साथी, कलिंग्स मीन्स सकर्मी अर्थात एक प्रकार के कार्य करने वाले साथी, ओ मीन्स रेडी होना, इवन मीन्स भी, डीपर डेप्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड मीन्स और भी अत्यधिक आभारी, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलिंग्स आई ओ एन इवन डीपर डेप्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का और भी अत्यधिक आभारी हूँ, वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, वी मीन्स हम, हैव बीन रहे हैं, ज्वाइंट मीन्स इकट्ठे, पार्टनर्स मीन्स हिस्सेदारी, इन मीन्स में, ग्रेट मीन्स महान, अंडरटेकिंग्स मीन्स कार्यों, वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हम सभी महान कार्यों में इकट्ठे हिस्सेदार रहे हैं, एंड हैव शेयर्ड द ट्रायंफ एंड सारोज विच इनविटेबली अकंपनी देम, हैव शेयर्ड मीन्स भागीदार रहे हैं, ट्रायंफ मीन्स होता है विजय की प्रसन्नता, सारोज मीन्स दुख, विच मीन्स जो, इनविटेबली मीन्स अनिवार्य रूप से, अकंपनी मीन्स साथ देना, देम मीन्स उनके, एंड हैव शेयर्ड द ट्रायंफ एंड सारोज विच इनविटेबली अकंपनी देम, और अनिवार्य रूप से आने वाली विजय की प्रसन्नता और दुखों में एक दूसरे के साथ भागीदार रहे हैं, When I die, जब मैं मरूं, I should like my body to be cremated. Cremate means होता है दाह संस्कार करना अर्थात शव को जलाना, यहाँ पर cremate का थर्ड फॉर्म cremated है, I should like my body to be cremated. मेरी इच्छा है कि मेरी शरीर का दाह संस्कार किया जाए, When I die, I should like my body to be cremated. जब मेरी मृत्यु हो, मेरी इच्छा है कि मेरी शरीर का दाह संस्कार किया जाए. If I die in a foreign country means होता है विदेश. If I die in a foreign country, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो, My body should be cremated there. तो मेरी शरीर का वहीं दाह संस्कार किया जाए. And my ashes sent to Allahabad. And means or my means मेरी
एसेज मीन्स अस्थियाँ, सेंड मीन्स भेज दी जाए, एंड माई एसेज सेंड टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिज एसेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा। अ स्मॉल हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर भाग, ऑफ मीन्स में से, दिज मीन्स इन, एसेज मीन्स अस्थियों, थ्रोन मीन्स फेंक दी जाए अर्थात विसर्जित कर दिया जाए, इन द गंगा, गंगा नदी में। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिज एसेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा, इन अस्थियों में से मुट्ठी भर भाग गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। मेजर पोर्शंस, अधिकांश भाग, डिस्पोज्ड ऑफ मीन्स विसर्जित, मैनर मीन्स तरीका, इंडिकेटेड बिलो मीन्स निम्नलिखित अर्थात नीचे प्रदर्शित की गई, एंड द मेजर पोर्शंस ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और इन अस्थियों के अधिकांश भाग को निम्नलिखित तरीके से विसर्जित किया जाए। नो पार्ट ऑफ दिज एसेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। रिटेन्ड मीन्स होता है बचा कर रखा जाए, प्रिजर्व्ड मीन्स होता है सुरक्षित रखा जाए। नो पार्ट ऑफ दिज एसेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। इन अस्थियों के किसी भी भाग को बचा कर न रखा जाए और न ही इन्हें सुरक्षित रखा जाए। माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद। मेरी इच्छा है कि मेरी मुट्ठी भर अस्थियों को इलाहाबाद में गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसमें मेरी कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कॉन्सर्न, कॉन्सर्न मीन्स संबंध। सो फार एज आई एम कॉन्सर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है। माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेज थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कॉन्सर्न। जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरी इस इच्छा का कि मेरी अस्थियों का मुट्ठी भर भाग इलाहाबाद में गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए, इसमें कोई भी धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। सेंटिमेंट मीन्स होता है भावना। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरी कोई भी धार्मिक भावना नहीं है। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है कि मेरी जो अस्थियां हैं इलाहाबाद के गंगा नदी में प्रवाहित की जा रही हैं, तो इस मामले में मेरी कोई भी धार्मिक भावना नहीं है, अर्थात इसे धार्मिक नज़रिए से न देखा जाए। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इलाहाबाद। इलाहाबाद गंगा जमुना नदियों से मेरा लगाव जुड़ा है। Ever since my childhood, ever since means तब से, my means मेरी, childhood means बचपन, ever since my childhood, बचपन से ही, I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood. मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद गंगा यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। And as I have grown older, this attachment has also grown. और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, यह लगाव भी वैसे वैसे बढ़ता गया। I have watched their wearing moods as the seasons changed. Wearing means बदलते हुए, moods means भावों, as means जैसे जैसे, the seasons means ऋतुएँ, changed means बदलती गई। I have watched their varying moods as the seasons changed. मैं ऋतुओं के बदलने के साथ साथ उनके बदलते हुए भावों को देखा हूँ। And have often thought of the history and myth and tradition and song and story. Often means prior, thought means
हैव थॉट मीन्स विचार किया हूँ, ऑफ मीन्स के बारे में, हिस्ट्री मीन्स इतिहास, मिथ मीन्स पौराणिक कथाएं, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, सॉन्ग मीन्स गीत, स्टोरी मीन्स कहानी, एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, और प्रायः इसके इतिहास, पौराणिक कथाओं, परंपराओं और गीतों और कहानी के बारे में विचार किया हूँ। That have become attached to them through the long ages. Long ages means yug yugantaron. That have become attached to them through the long ages. जो युगों युगांतरों से इनके साथ जुड़ी हुई हैं। And become part of their flowing waters. और इनके बहते जल का अंग बन गई हैं। I have watched their varying moods as the seasons changed. मैं ऋतुओं के बदलने के साथ साथ उनके बदलते हुए भावों को देखा हूँ। And have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. और प्रायः इतिहास, पौराणिक कथाएं और परंपराओं और गीतों और कहानियों के बारे में विचार किया हूँ जो इनके साथ युगों युगांतरों से जुड़ी हुई हैं और इनके बहते जल का अंग बन गई हैं। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।